लो भाई रोशन, आ गया खाना। ला भाई ला, हम भी देखें क्या चीज है जिसकी खातिर हमारे परम मित्र हमें 7 मील दूर लेकर आए हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी समीर, तुम्हारे शर्मा जी का खाना दिखने में तो बड़ा सोना है। अरे भाई, सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि स्वाद में भी लाजवाब है। तुम एक बार खा के तो देखो। ठीक है, खाते हैं। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, लाजवाब। मान गए उस्ताद, मान गए। तो खाना पसंद आया जनाब को? देखा, अपने पुराने दोस्त की बात मानोगे तो फायदे में रहोगे। क्यों भाई समीर, किसके फायदे की बात कर रहे हो? अरे जरा हमें भी तो बताओ। अरे धर्म जी। बड़े दिनों बाद मिले आप। आइए आइए, बैठिए ना। जरूर जरूर। अरे वाह, रोशन भी यहाँ पे मौजूद है। क्या हुआ रोशन, पहचाना नहीं? अरे ये धर्म जी है, धर्म जी, यही पास के सीतापुर गांव के। अरे धर्म जी, आजकल बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। क्यों भाई समीर, मिलते ही शुरू हो गए? अरे धर्म जी, नहीं नहीं, सच बात तो है। स्कूल के टाइम से ही धर्म जी पढ़ाई में सबसे आगे रहते थे। आगे चलकर उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा, रसायन शास्त्र में वैज्ञानिक बने और केमिकल कंपनियों में क्वालिटी के सलाहकार बन गए। यानी उनके पास खरा सोना और खोटा सिक्का पहचानने की आंख है। हाँ। बड़ी खुशी हुई आपसे इतने सालों बाद मिलकर। चलो, इस ससुरे की बात मानकर यहाँ इतनी दूर आने का ये और एक फायदा हो गया। क्यों भाई रोशन, अब तो मान गए? ऐसा स्वाद, ऐसी क्वालिटी देखिए पहले कभी। ऐसा गजब का स्वाद नहीं चखा कहीं। पता नहीं और ढाबों में ऐसी क्वालिटी क्यों नहीं मिल पाती। अरे भाई, इनकी जड़ है काबिलियत और नियत। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अरे ये सब क्या चल रहा है भाइयों, हाँ? मतलब आपकी बात बड़ी सोनी है, लेकिन पहले थोड़ी पेट पूजा भी कर लेते हैं। पहले खाना। चलो फिर खाते हैं। चलो। और क्यों भाई रोशन, तबीयत खुश? जी हाँ, एकदम खुश। लेकिन अब रहा नहीं जाता। वो आप क्या कह रहे थे काबिलियत और नियत के बारे में? बात कुछ समझ में नहीं आई भाई, अब तो बता ही दीजिए। देखो दोस्तों, सीधी और सरल बात है, ये जो दाल बनती है ना, वो अपने देश का आम व्यंजन है। सभी रसोइये दाल में लगभग वही सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप ही बताइए, क्या फिर भी दाल दाल की क्वालिटी में फर्क नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये फर्क क्यों होता है पता है? ये फर्क होता है काबिलियत और नियत की वजह से। अभी मैं आप लोगों को आपकी रोजाना जिंदगी का उदाहरण देता हूं। आप अपनी खेतीबाड़ी की दवाइयों की खरीदारी के लिए डीलर की दुकान में जाते हो। अब वहां से जो आप उत्पाद पाते हो, उनकी क्वालिटी दो चीजों पर निर्भर होती है। क्या आपको पता है वो दो चीजें क्या हैं? नहीं? तो ठीक है, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो ठीक से सुनो और ध्यान में रखो। पहली चीज है बनाने वाले की काबिलियत और दूसरी चीज है बनाने वाले की नियत। ध्यान से सुन रहे हो ना? तो समीर आप बताइए, कौन सी दो चीजें? काबिलियत और नियत। हाँ, लेकिन किसकी? बनाने वाले की। अब ये हुई ना बात। आगे सुनिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हर ढाबे पर, हर होटल में लगभग उसी सामग्री से दाल बनती है, बराबर? अब कुछ समय के लिए ये बात मान के चलते हैं कि हर ढाबे का रसोइया वही विधि का इस्तेमाल करके दाल पकाता है। फिर भी अंतिम उत्पाद का यानी कि दाल का स्वाद हर जगह अलग होता है, और वो इसलिए कि हर रसोई की योग्यता एक समान नहीं होती, और यही जो चीज है योग्यता, उसके पीछे होती है काबिलियत, जो बरसों के अनुभव की देन होती है। अब इन फसल की रक्षा करने वाली दवाइयों को ही देखिए, हर एक वर्ग में
बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध हैं। हर ब्रांड की दवाई साधारण रूप से तो समान लगती है, लेकिन क्या असल में दो दवाइयों में कोई अंतर नहीं होता? एक मिनट धर्म जी, ये काबिलियत का रिश्ता खाना बनाने और खाने के स्वाद के बारे में तो समझ में आता है, लेकिन ये फसल सुरक्षा की दवाइयां बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों से इसका क्या ताल्लुक है? हाँ धर्म जी, जरा विस्तार में बताइए ना। हाँ बिल्कुल, ये बात जितनी दिखती है उतनी आसान नहीं है। आप मुझे 2 मिनट दे दो, मैं आप दोनों को फसल सुरक्षा की दवाई बनाने वाली एक कंपनी की सैर करवाता हूं। क्या आपने जूरा, साइनो, सेलेक्स, रूगो इन फसल सुरक्षा दवाइयों का नाम सुना है? हाँ मतलब बिल्कुल सुना है। हाँ तो हम जिनकी बात कर रहे थे उन सब उत्पादनों के पीछे जो कंपनी है उसका नाम है अतुल। अतुल? अतुल? हाँ हाँ अतुल, अतुल लिमिटेड। अतुल दवाई बनाने के विज्ञान में एक उच्चतम प्रतीक मानी जाती है। ये काफी पुरानी कंपनी है, सन 1952 से इस क्षेत्र में बड़ी शान से सर ऊंचा करके खड़ी है। ये उन कंपनियों में से नहीं है जो आए दिन आती हैं और रात आते ही गायब हो जाती हैं, बल्कि अपने देश के प्रमुख एकीकृत रासायनिक कंपनियों में से एक है ये कंपनी। कुछ 70 से भी अधिक रासायनिक प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो बड़ी जटिल होती हैं, पर अतुल को उन पर महारत हासिल है। अतुल के उत्पाद दुनिया के कई सारे देशों में निर्यात भी होते हैं, यह भी उनकी काबिलियत का ही एक प्रमाण है। सच? बिल्कुल सच। अमेरिका के साथ यूरोप के बहुत सारे देशों में अतुल के ग्राहक हैं। अगर अतुल के उत्पाद उच्चतम प्रति के नहीं होते तो क्या इतने सारे विकसित देश उन पर विश्वास करते? ये है अतुल की फैक्ट्री जो कि 1250 एकड़ की हरियाली में बसी हुई है। अतुल के विशेषज्ञ जिनमें की रासायनिक अभियंता, बहुत सारे डॉक्टरेट और रसायन शास्त्र के स्नातक शामिल हैं, इसी जगह से काम करते हैं। इतना तो आप जान गए होंगे कि अतुल की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन धर्म जी, आपने वो नियत का भी जिक्र किया था, उसका क्या? हाँ हाँ भाई, लेकिन अकेले काबिलियत पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ आपकी नियत भी अच्छी होनी चाहिए। चलो देखते हैं अतुल के विषय में नियत कहाँ और कैसे ताल्लुक रखती है। एक बार फिर दाल के उदाहरण पर वापस जाते हैं। आपको दाल बनाने के लिए तेल की आवश्यकता है और यहां से शुरू होता है नियत का असर। जिस मालिक की नियत में खोट हो वो किसी भी सस्ते तेल का इस्तेमाल करता है। जो बात तेल की वही बात मसालों की। ऐसे सस्ते मसालों से दाल तो बना लेते हैं और वो दिखने में भी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन जैसे ही आप उसे चखें तो आपको पता चलता है कि इस दाल में वो वाला स्वाद नहीं है। तो इस तरह से आपकी नियत का असर आपके उत्पाद की क्वालिटी पर होता है। अब देखते हैं यही बात दवाइयों के बारे में। जब हम फसल के लिए दवा खरीदते हैं तो हम मानते हैं कि सभी दवाइयां एक समान हैं, लेकिन यहां कंपनी के पास कच्चे माल के लिए कई सारे विकल्प होते हैं। अब कंपनी क्या चुनेगी ये पूरी तरह से उसकी नियत के ऊपर निर्भर है। मतलब जो दाल के बारे में है वही दवाइयों के बारे में भी लागू होता है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ समझे यहां तक, चलो आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे अतुल की नियत की। अतुल कंपनी लाल भाई उद्योग समूह का हिस्सा है जो आजादी से काफी पहले से यानी कि सन 1896 से भारत में कार्यरत है। अतुल की स्थापना श्री कस्तूरभाई लाल भाई ने आजादी के बाद एक महीने के अंदर 5 सितंबर 1947 को की थी। वो नैतिकता और सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनके सपने बड़े थे और साथ साथ सपनों को सच में लाने की क्षमता भी उनमें थी। इसी के चलते उन्होंने टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और केमिकल्स के क्षेत्र में कई सार्वजनिक कंपनियों का निर्माण किया। कस्तूरभाई अपने कारोबार को समाज में परिवर्तन लाने का जरिया मानते थे। कंपनियों के निर्माण के पीछे सिर्फ मुनाफा कमाना इतना न्यून और सीमित उद्देश्य नहीं था। इसी के चलते अतुल कंपनी के निर्माण के पीछे भी एक महान उद्देश्य था, देश को रसायनों के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और साथ में स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराना।
अतुल कंपनी समाज के साथ बढ़ने में विश्वास रखती है। इसी उद्देश्य से अतुल फाउंडेशन की स्थापना की गई, जो शिक्षा, सक्षमीकरण, स्वास्थ्य, राहत कार्य, मूलभूत ढांचा तथा पर्यावरण संरक्षण, इन क्षेत्रों के माध्यम से समाज के हित का ख्याल रखती है। अतुल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एक्सेलेंस अपने कौशल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को विविध व्यवसायों की शिक्षा प्रदान करता है, ताकि वे आर्थिक दृष्टि से सक्षम बने। अतुल अध्यापिका कार्यक्रम गांवों से युवा महिलाओं को प्रभावी शिक्षिका बनाने के लिए प्रशिक्षित करता है, ताकि वे अपने अपने गांव में ही छोटे बच्चों को वही पढ़ा सके और साथ ही ग्रामीण भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव ला सके। अतुल द्वारा निर्माण किए हुए स्कूलों का लाभ अब तक हजारों छात्र ले चुके हैं। देश के ग्रामीण भागों में अतुल अब तक 5,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण करा चुका है। पर्यावरण के बारे में अतुल कंपनी हमेशा से सतर्क रही है। स्वच्छ प्रक्रिया और उनके माध्यम से प्रकृति संरक्षण, इस पर कंपनी का ध्यान हमेशा रहता है। अपने परिसर में कंपनी ने लाखों पेड़ लगाए हैं। परिणाम स्वरूप कंपनी का परिसर गिने चुने ऐसे केमिकल प्लांटों में से एक है जो हरियाली से भरपूर है। उर्मी स्त्री संस्था का निर्माण सन 1953 में हुआ था, जो ग्रामीण महिला सक्षमीकरण के बारे में काम करने वाली संस्था है। ये सब बहुत ही रोमांचक और अविश्वसनीय है। हाँ, और इससे ये साबित होता है कि अतुल कंपनी अपना कारोबार नैतिक सिद्धांतों पर चलाती है। अब बताओ, क्या हम अतुल की नियत पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप अतुल की दवा का प्रयोग करते हैं, तो आप न केवल दवा की क्वालिटी के बारे में सुनिश्चित होते हैं, बल्कि आप अच्छे समाज के निर्माण और प्रकृति के संरक्षण में अतुल का हाथ बटा रहे हैं। ऊपर से 100% भारतीय कंपनी का साथ देकर राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दे रहे हैं। भारतीय नागरिक, भारतीय उत्पाद। वाह धर्म जी, भाई आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी। ये दवाइयां चुनने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। अब तो हम अतुल से बहुत प्रभावित हैं और अतुल कंपनी और उनके उत्पादों पर ही भरोसा करेंगे। अतुल पर भरोसा, लेकिन क्यों, किस लिए? क्योंकि अतुल यानी काबिलियत और नियत का ऐसा मिलाप जो निर्माण करे उच्च गुणवत्ता का उत्पाद। अतुल जहां, गुणवत्ता वहां।